प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं, हिसाब किताब पूछ रहे हैं। अरे हिसाब किताब हम तो हर साल देते रहे हैं, अभी अपने पूरे कार्यकाल का हिसाब किताब दे के चुनाव मैदान में आने के पहले दे दिया। आप न दीजिए 17 महीना का हिसाब, और आप 5 साल पर हिसाब दें। अरे 5 साल के बाद तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, हिसाब देने से क्या, हिसाब किताब का क्या मतलब, अभी ना दीजिए हिसाब। तो चुनौती देते हैं, विकास पर बहस करने के लिए तैयार हैं। जगह और तारीख आप तय करिए, चाहे विकास पर बहस करिए। आरक्षण की बात करते हैं, समाज में ध्रुवीकरण कराना चाह रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा की बात इन लोगों के गुरु श्री मोहन भागवत जी ने की, लालू जी ने, शरद जी ने, हमने उसका विरोध किया। उसके बाद चर्चा उन्होंने छेड़ी, हम लोगों ने नहीं। जब इनको महंगा पड़ने लगा तो ये दूसरी बात पर उतारू हो गए, कह रहे कि नहीं आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा। बीजेपी का अकेले क्या औकात है आरएसएस के सामने? आप अगर निंदा करिए आरएसएस के बयान की, या संबंध तोड़िए आरएसएस के साथ, तब हम जाने, वरना आरएसएस जो कहेगा बीजेपी को करना होगा। मेरा भाषण लोकसभा का दिखा रहे हैं, अगस्त 2005 का, हमने क्या कहा था? हमने धर्म पर आधारित आरक्षण की वकालत नहीं की। प्रधानमंत्री अगर इस तरह से तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने लगे तो देश का क्या होना है? मेरे भाषण का दिखाना चाह रहे थे लोगों को, कागज लहरा रहे थे, उस भाषण में क्या है? हमने तो कहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं की। अरे संविधान में जो लिखा हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म का। कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है? अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है।